नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार, आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे हो गए। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था मैंने कि ओला की जो कैब अटैचमेंट है, जो फोर व्हीलर जो टैक्सियाँ हैं वो बंद हो गई है। अब जो ओला कंपनी है कैब अटैचमेंट नहीं करा रहा है, प्लस बाइक और ऑटो वो अटैच हो रहे हैं, उन पर काफ़ी मात्रा में जोर दिया जा रहा है ओला की तरफ से। तो क्या ये सही है या गलत है? तो आज इसलिए मैं आया हूँ, जसवंत भाई वेंडर हैं ओला से, ओला उबर दोनों से रजिस्टर्ड वेंडर हैं, तो इनसे हम बात करते हैं इसी बारे में सिलसिले में कि क्या ये सही है कि ओला ने अपनी जो फोर व्हीलर कैब अटैचमेंट है वो बंद कर दिया है कुछ समय के लिए, या जो आपकी बाइक और ऑटो है उन्हें किस तरीके से अटैच करा जा रहा है, क्या रीज़न है इसका, क्या मतलब क्या है? तो चलिए बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमें पता चला था सूत्रों के हवाले से कि ओला ने कैब अटैचमेंट बंद कर दिया है कुछ समय के लिए, तो क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही है, अभी तो जून के मंथ के लिए तो बिल्कुल सही है, अभी तो कैब अटैचमेंट बंद है। अच्छा। फिलहाल क्या है कि अब फोकस जो डाल रखा है ऑटो पे और बाइक पे। अच्छा। ऐसा क्यों है, क्या अभी इसका तो इशू नहीं पता क्योंकि गाड़ी अटैचमेंट ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा। तो ये भी इशू है, लेकिन जो ऑटो और बाइक पे अब जो अर्निंग वगैरह जो फेयर वगैरह ये सब अच्छे मिल रहे हैं इस टाइम पे, जो 25,000 से 30,000 रुपये पर मंथ कमा सकता है बाइक अटैचमेंट पे। अच्छा, हमने देखा है कि अभी जैसे कि कहीं कैब बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, तो जैसे कि हमारी कैब है गो, है ना, गो जैसे ओला में मान लो तो सेडन, जैसे सेडन बुक करते हैं और उसी के नीचे एक ऑटो का ऑप्शन भी आता है, तो सेडन के मुकाबले कंपेयर करता है ऑटो और सेडन को एकदम, मतलब क्या है कि फिक्स प्राइस में, जैसे कि सेडन आपको 120 रुपये में मिल जाएगी तो ऑटो को 120 बने में मिलता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कैब महंगी होनी चाहिए कि ऑटो महंगा होना चाहिए? वैसे तो कैब ही महंगी होनी चाहिए आपके, वैसे कैब में आपको तो एसी प्रोवाइड कर रहा है बंदा, और ऑटो में तो आपको ना तो एसी मिलती है ना कुछ मिलता है, आपको 3 पहिए मिलते हैं, कैब के अंदर 4 पहिए लगे हुए हैं। बिल्कुल सही है, बाकायदा एसी में जाओगे सब काम होते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी ने कैब का जो भाड़ा है वो कम कर रखा है, आपको बाइक को अच्छा फेयर मिल रहा है। अगर यहाँ से दिल्ली के लिए आप भी देख रहे हो कि यहाँ से बुक कर दी दिल्ली के लिए, बाइक में जा रही 350-300 रुपये का फेयर बन रहा है, इतने में 35 किलोमीटर ही है, 30-35 किलोमीटर। और सेडन बुक करते हैं तो हमें 400-450 मिल जाते हैं, 400-450, उसमें प्लस आपको एक MCD टोल भी लग जाता है रास्ते में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या फंडा है इसका? अभी तो आप देख पा रहे हो कि CNG भी दाम बढ़ा चुकी है, पेट्रोल भी दाम बढ़ा रही है, डीजल भी दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? मतलब CNG वाले तो कहीं तक कर खाएंगे, लेकिन ये जो पेट्रोल गाड़ियाँ वाले थे उनका क्या होगा? अब ये तो देखो जी, आपको पता ही है कि पेट्रोल की महंगाई भी कितनी हो गया, डीजल वो जो CNG है वो भी आपको पता है कि वो भी 60 के आसपास तक पहुंच ही गई है, तो इसमें बाइक वालों को फिर भी फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि एक लीटर तेल में कम से कम 60-62 किलोमीटर तो चलती है, तो उसमें 60-62 में 250-300 रुपये का तो काम कर ही लेता है। अगर वो बंदा 4-5 लीटर तेल भी फूंक देगा तो वो अपनी अर्निंग 800-900 रुपये के आसपास कर लेगा फिर भी वो। लेकिन हमें अभी इतना पता नहीं चल पा रहा है कि कैब अटैचमेंट आखिर क्यों बंद कर दिया गया है और बाइक और ऑटो पे इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है कंपनी की तरफ। देखो, इसका तो क्लियरिटी नहीं पता पड़ेगी किस रीजन में बंद करी गई है, इसका नहीं पता पड़ेगा। क्या आप बाइक और ऑटो अटैच कर पाएंगे अगर कोई? बिल्कुल करेंगे, आप घर बैठे ऑनलाइन ही व्हाट्सअप कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स में, और डॉक्यूमेंट से मैं ऑनलाइन लगा दूंगा। ऑटो और बाइक को ऑनलाइन होने में कितना समय लग जाएगा? मुश्किल से मुझसे 10 मिनट 10 मिनट में ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन तो आपसे अगर कोई व्यूअर्स हमारा संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 87003312191। अच्छा। और भैया से पता है वो आपको ऑनलाइन, और हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर, इसे आप देख के इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और ऊबर में आप कैसे, मतलब ऊबर में ऑटो बाइक कौन कौन सी गाड़ियाँ लग रही हैं इस टाइम पर? ऊबर में बाइक ऑटो और गाड़ी दोनों तीनों ही लग रही है। अच्छा, तो आप ऊबर में कहीं भी बैठे हो तो कहीं से भी अटैच करा सकते हो। अच्छा, किस किस जगह पर हो जाएगी, मतलब कौन कौन से राज्यों में, कौन कौन सिटी में आप अटैच कर सकते हो? इंडिया में कहीं की भी गाड़ी हो आप ऊबर में अटैच करा सकते हो, बाइक हो आपके पास, ऑटो हो या फिर आपके पास गाड़ी हो, कहीं से भी आप अटैच करा सकते हो ऊबर में अभी। मतलब आपके पास सर्विस अवेलेबल होगी वहाँ तक, जहाँ ऑनलाइन ओला और उबर जैसी कंपनियाँ चालू होंगी वहाँ पे आप बिल्कुल 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 अटैच करवा देंगे। बिल्कुल सर, जहाँ सर्विस अवेलेबल होगी। ओला में भी ये सुविधा है कि कहीं भी, कहीं की भी गाड़ी कहीं नहीं, यहाँ से अटैच नहीं होगा। अच्छा, उसे डायरेक्ट यहीं पे आना पड़ेगा तभी अटैच होगा। आप अभी किस किस एरिया में लगवा सकते हो? वैसे मैं दिल्ली में लगा दूंगा, गुड़गांव लग जाएगी अपने यहाँ NCR, दिल्ली NCR में सारे, दिल्ली NCR टोटल सारा। अगर कोई मान लो आगरा का बंदा है, अगर आपसे कहता है फोन करके कि आगरा में जो हमारी गाड़ी अटैच करनी है, नहीं होगी तो नहीं हो सकती? नहीं होगी। अच्छा, और ऊबर हो जाएगी? ऊबर में हो जाएगी। और ऊबर ओला के अलावा और कौन कौन सी गाड़ियाँ अटैच करते हो, कौन कौन सी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं? जैसे रैपिडो का भी बोर्ड लग रहा है इधर। रैपिडो में अभी ऑटो और बाइक ही अटैच हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी कैब में नहीं आई है, सिर्फ बाइक और ऑटो ही अटैच हो रहे हैं रैपिडो में।
रैपिडो में वैसे काम तो अच्छा चलता होगा ना? रैपिडो में दिल्ली एनसीआर में काफी अच्छा काम है। रैपिडो का बराबर का काम है बाइक पे। तो ओला अब इस टाइम बाइक और ऑटो को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो आपके पास अगर कोई फोन करता है बंदा तो आप 10 मिनट में उसका काम करवा सकते हैं? 10 मिनट में ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगर आप लोगों अपना ऑटो या बाइक कोई भी चीज़ अटैच करना चाहते हैं, ओला उबर रैपिडो किसी में भी, तो भाई के पास फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और संपर्क कर लीजिए। जो भी आपके सवाल हैं इनसे कर सकते हैं और 10 मिनट के अंदर ही चालू हो जाएगा सब कुछ। अभी जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ओला ने कैब अटैचमेंट कुछ समय के लिए रोक दिए, तो वो बिल्कुल सही था, कोई फेक वीडियो नहीं थी मेरी। एक भाई का जैसे कमेंट आ रहा था ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, आपके सामने ओला वेंडर हैं, ऑथराइज हैं, इनसे मैंने अभी संपर्क किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई और सवाल हो तो हमारी वीडियो का कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। जय हिंद।